आज हम इस वीडियो में जेंडर बताने वाले हैं। जेंडर जिसकी हिंदी होती है लिंग, ठीक है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से स्त्री पुरुष का भेद जाना जाता है उसे जेंडर कहते हैं, लिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा शब्द जिससे क्या हो दोनों का भेद अलग हो उसे क्या बोलते हैं, जेंडर। ये कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। मस्कुलिन जेंडर, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर, तीसरा न्यूट्रल जेंडर, चौथा कॉमन जेंडर, ठीक। अब मस्कुलिन जेंडर क्या होता है, मस्कुलिन जेंडर पुलिंग होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए, ठीक, जिस नाउन से ठीक मनुष्य जाति का बोध होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। यानी आपका इसमें क्या पुरुष का बोध होगा, ठीक है। जैसे फादर देखिए एक पुरुष है, बाय लड़का भी क्या है पुरुष है, आप क्या है एक बैल है, ठीक। जिस नाउन से पुरुष जात का बोध होता है क्या बोलते हैं, मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग होता है। जिस नाउन से स्त्री जात का बोध होता है क्या बोलेंगे, फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। जैसे मदर माता, गर्ल और काउ, ठीक। तीसरा न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग लिंग, ठीक है, नपुंसक लिंग, ठीक है। जिस नाउन से किसी निर्जो वस्तु का बोध होता है, जिस भी नाउन से किसी निर्जो वस्तु का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। जैसे स्कूल हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया आदि, ठीक है। चौथा लास्ट क्या होता है, कॉमन जेंडर उभय लिंग। जिस नाउन से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है, जिस नाउन से पुरुष और स्त्री का दोनों का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर उभय लिंग। जैसे पेरेंट्स देखिए, पेरेंट्स में क्या जाएंगे आपके, पेरेंट्स में माता और पिता दोनों आते हैं, ठीक है। पेरेंट्स में क्या होगा, माता और पिता और चाइल्ड। चाइल्ड देखिए, चाइल्ड आपका छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, लड़का और लड़की क्या बोलेंगे, चाइल्ड ही बोलेंगे, क्या जाएंगे, पेरेंट्स और चाइल्ड, ठीक।